इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को। एमन का चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मेरा चैनल एमन के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। और मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा जी, ये वही वाला पाया है जिसकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से सफाई की थी, फिर मैंने बाज़ार से बनवा लिया उसको। आज हम जो है वो बोंग बनाने का आपको तरीका बताएंगे। ये हमने हड ले लिए, जितनी भी हड्डियाँ थी वो हमने ले ली। और ये हमारे पास बोंग है, वो अच्छी तरह से हमने धो लेनी है। पहले हड्डियाँ अच्छी तरह से धो ली हमने ताकि कोई बारीक बारीक हड्डी ना रहे। और हमने ये जो है बोंग है इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ये भी इसी में हड्डियों वाले में ही हम डाल देंगे पतीले में। और इसके बाद हम लेंगे वही वाला अपना जो पाया था, हमारे जो गाय का था उसको हमने ले लिया। और उसको अच्छी तरह से हम जो है धो लेंगे उसको अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये भी हम इसी में ही डाल देंगे। बोंग, पाया और जो हड्डी और नली होती है वो सब हम जो है उसको अच्छी तरह से धोकर एक ही बर्तन में डाल देंगे। उसमें हमने पानी डाल दिया। ये आप देख लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी आपके पास होगी गोश्त की, बोंग की, पाए की, तो आपने उस हिसाब से इसकी यखनी निकाल लेनी है। तो हाँ जी जनाब, हम निकालने लगे हैं इसकी यखनी। अब आप देखें, इसमें मैंने डाल दिया साबुत धनिया और इसमें सौंफ डाल दी हमने, एक अदद प्याज डाल दिया हमने। और इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप हंस में ज़रूरत डाल लीजिएगा, जितना भी आप लोग खाते हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। और इसको हम जो है चूल्हे पर चढ़ा देंगे इसकी यखनी निकालने के लिए। तो ये हमने जो है चूल्हे पर चढ़ा दिया है, ये हमारे जो है यखनी वो बॉयल हो गई है, ठीक है जी। ये भी हमारी यखनी को उबाला आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक जो है ना गंदा सा एक झाग सी आ जाती है, तो वो मस्ट है, लाजमी है कि वो आपने उतारनी है इसकी, ठीक है जी। ऐसे ही आपने इसको ऐसे करके तो मिक्स नहीं कर देना कि जी वो ऊपर गंदा आया तो कोई बात नहीं, मिक्स कर दिया। नहीं, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो बबल्स हैं वो ब्लैक कलर के थे, गंदा से गंदे गंदे से जो है ना वो बबल्स बन जाते हैं, तो वो ज़रूर उसको रिमूव कर लेना है आपने, ठीक है जी। तो ये आप अभी देखिएगा कि किस कदर साफ़ यखनी हो जाएगी। ये मैंने इसमें से सब गंद निकाल देना है, जितना भी था ब्लैक कलर का, जो भी ऊपर आया था गंद वो हम निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही वो जो हमने प्याज डाला था ये भी अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, एक घंटा तकरीबन मैंने इसकी ये यखनी निकाली, ठीक है। अभी ये गला नहीं है, बिल्कुल भी गला नहीं है, ना बोंग गली है, ना पाए गले हैं, ना ही हड्ड जो है उसके साथ जो बोटी वगैरह लगी हुई थी वो गली है, कुछ भी नहीं गला हुआ। सिर्फ एक घंटा हमने इसको यखनी को पकाया है, ठीक है जनाब। ये हम इसमें से निकाल देंगे सब कुछ। ये हमने निकाल लिया, देख सकते हैं एक बर्तन में। अब क्योंकि मेरे पास यखनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो मैंने फिर ये छानना ले लिया, और छानना जो है वो एक बर्तन के ऊपर मैंने रख दिया। और ये इसके साथ जो है ना हम अपनी यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे ज़रा आसानी से हो जाता है ना, उस तरह अगर छोटे स्टीनर से करेंगे तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है और हाथ जलने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से आपने जो है बड़े से छानने में आपने डाल लेना है। और ईजी देखें, एक सेकंड लगा हमारा और जो है ये हमारी साफ़ सुथरी सी यखनी जो है वो हमें मिल गई। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि इसका जो है मसाला तैयार करने का तरीका। वो हमारी यखनी तैयार हो गई, अब हमें चाहिए होगा प्याज। इसके लिए हमने प्याज काट लिया, ऑयल डालेंगे एक बर्तन में, हसबे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। सब चीज़ें आपने हसबे ज़रूरत ही देखनी है, जैसे आप जो जितनी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से ही आप लोगों ने देखनी है। और ये देखिए, अभी मैं ये बना रही थी और अभी भी बहुत तेज़ धूप थी, और बनाते बनाते ही जो है माशाल्लाह जो है वो बारिश शुरू हो गई। अच्छा जी, तो ये हमने प्याज जो है ऑयल में डाल दिया था, हमारा प्याज जो है वो लाल हो चुका है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, मैंने तकरीबन ये 6 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 3 चम्मच लहसुन और 3 चम्मच जो है वो अदरक के डाल दिए थे, ग्राइंड किया, इसके अंदर डाल दिया। ये है पिसा हुआ धनिया, और इसी में हमने जो है वो डाल दी पिसी हुई लाल मिर्च हसबे ज़रूरत। एक हम पाए मसाले का पैकेट डाल देंगे, किसी भी कंपनी का आप डाल लीजिएगा। तो एक हम पाए मसाले का सशे डालेंगे। ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया, नमक डाल देंगे, पिसी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, और ये हमने ज़ीरा लिया था, ज़ीरा हमने जो है उसको दादर करके डाल दिया। ये हमने डाल दी इसमें काली जो मिर्च गोल होती है वो, चंद लौंगे डाल दी हमने, और ये जो है बड़ी इलायची डाल दी, दालचीनी डाल दी, और बादियान का फूल है वो डाल दिया। यानी कि टोटल मिलाकर हमने साबुत गर्म मसाला डाल दिया, ठीक है जी। और भी हमने अपने उस मसाले में डाल देना है, प्याज वाले मसाले में, ठीक है जी। इसमें प्याज और लहसुन अदरक था और बाकी मसाला मैंने एक प्लेट में बना करके तो ये इसमें डाल दिया। इसको हम ज़रा अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जनाब, हमारा मसाला जो है भुन चुका है, अब हमने जो बोटियाँ हैं वो इसके अंदर डाल देना है, हड्डी बोटी बोंग गोश्त सब कुछ हमने जो है पाया वो सब इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। अच्छी तरह से ज़रा इसको हमने थोड़ी देर भून लिया। अभी आप देख सकते हैं वो जो यखनी थी वही मैं इसमें वापस डाल रही हूँ जो हमने स्टिनर की थी। तो ये यखनी डाल दी, और एक्स्ट्रा अगर पानी भी डालना पड़े तो वो भी डाल लीजिएगा, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी, अभी हालांकि कच्चा है लेकिन इसकी शक्ल आप देखेंगे कितनी प्यारी हो गई है, और इंशाल्लाह ये खाने में भी इतना ही लजीज था। ये देखिए, पानी मुझे कम लगा, मैंने पानी भी डाल दिया, यखनी डाली, पानी डाला, और ये देखिए जनाब 4:08 हो गए 9, तो ये मैंने अभी चढ़ा दिया इसको। और ये देखें आप, ये पक रहा है, पक रहा है। अच्छा, ये जब अभी उबाल आ गया इसको तेज़ आँच पर, अब इसके बाद हम इसकी मीडियम सी आँच कर देंगे कि हल्की हल्की आँच पर ये पकता रहे। और ये आप देख सकते हैं बीच बीच में हम इसको चेक करते रहे थे। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। शोरबा आपने जितना भी रखना हो आप अपने हिसाब से जो है उसको आप देख लीजिएगा कि कितना आप जो है शोरबा रखना चाहते हैं अपने सालन में। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो होती है मछली की जो गोश्त होता है ये ज़रा टाइम देर से ही गलता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं गर्म बहुत ज़्यादा था तो इसलिए जो है ये देखें बहुत सॉफ्ट हो गया था, ये बहुत ही सॉफ्ट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बोंग हमारी जो है ये तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो है कैसे बना आपको, कैसा लगा मेरी रेसिपी और कैसे बनी है आपकी जो है बोंग पाई जो है।
ये दिखाएं, मैं आपको पाया भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी बहुत ही सॉफ्ट था, ईजी जो है वो टूट रही थी बोटी। गर्म बहुत ही था क्योंकि काफ़ी घंटे ये पका है, तकरीबन 8 बजे तक, तो ये 4 बजे हमने चढ़ा दिया था, उससे पहले ही 1 घंटा यखनी पकी, फिर 4 जो है वो 4 बजे हमने चढ़ा दिया, फिर उसके भी 4-5 घंटे ये पकता रहा। अच्छा जी, हमने एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर हमने बाउल रखना है, अगर हम ऐसे पकड़ेंगे ना बाउल को तो हमारा हाथ भी जल सकता है क्योंकि बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म था ये, 4-5-6 घंटे तो ये पका है, तो 4 बज रहे थे और अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं, आप ये हिसाब कर लें, और 1 घंटा पहले जो है यखनी निकाली थी। तो अब मैं आपको जनाब सर्व करके इसको दिखाती हूँ, क्योंकि वो तो मस्ट है, वो आपको दिखाना होता है इसकी फाइनल लुक। तो ये आप देखें, इसमें हम शोरबा डाल देंगे, बोटियाँ डाल दी, बोंग डाल दी, पाया डाल दिया, थोड़ी सी हम तरी भी डाल देंगे ऊपर ताकि इसकी अच्छी सी एक लुक आ जाए। मैं वैसे बहुत ज़्यादा कम ऑयल और नमक मिर्च कम यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये ऊपर जनाब हमने जो है पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दिया, और ये आप इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त से इसकी लुक आई है, और इसी तरह ये टेस्ट में भी अच्छा था। चलिए जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।